हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी ग्रीन एनर्जी, कल ही मैंने बोला था और इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करें। कुछ लोग तो है जो स्किप करते करते वीडियो देखते हैं, वो कुछ बातें जो है उसके अंदर छूट जाती है। मैंने बोला था क्योंकि 1000 रुपीज़ का जो लेवल एक साइकोलॉजिकल जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंट बन सकता है, साथ ही साथ वहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस भी थी। और एक रीज़न इसके अंदर दो ही है ये आज की प्रॉफिट बुकिंग है। एक तो नीचे से काफ़ी ये अगर देखें तो मैंने कल भी बताया था कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं 25% के आसपास का, 20-25% आके आसपास का, 2-4 दिन के अंदर अगर रिटर्न मिलता है तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने में कुछ हर्ज नहीं है। और वो लोग ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉफिट बुक करते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते। तो आज अगर देखें तो ऊपर से नीचे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-8% के आसपास की इसके अंदर नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वापस से जो है इसके अंदर तेज़ी भी देखने को मिली। आगे क्या हो सकता है वो भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर देखें, हमेशा मैं कहता हूँ मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पर 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास से जो है आज इसने लो बनाया, उससे थोड़ा सा 10 रुपये ऊपर, और वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया। और इसके अंदर देखें तो कल ही मैंने भाप लिया था, बोला था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पर ये 5 डेज़ का सॉरी 5 मिनट का जो मूवी चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम, मैसिव वॉल्यूम आखिरी घंटे में यहाँ पर देखने को मिला था, 2 से 3, 3:30 बजे तक का। सेलर्स जो है वो एक्टिव हो चुके थे, मैंने बोला था इसके अंदर। और साथ ही साथ और यहाँ पर आशंका जताई थी कि या तो ये इंट्राडे सेलर्स हो गए या फिर जो है कोई सेलर्स हो गए जो कि एक्टिव हो सकते हैं इसके अंदर, और ये हुए भी है और बिल्कुल आज वही हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आज का चार्ट है 15 मिनट का। ऊपर सवेरे खुला 1000 रुपीज़ के आसपास, बिल्कुल नीचे आया, लो बनाया। अच्छी बात रही कि नीचे ज़्यादा टिक नहीं पाया, वापस से इसके अंदर अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, मतलब कि नीचे से एक रिकवर हुआ है। अगर साथ ही साथ इसके अब कारोबार की बात करें तो वो भी हम देखेंगे। इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो आज काफ़ी मैसिव है, तो वो भी ज़रूर देखें। ये आज का 5 मिनट का चार्ट है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम और नीचे से ऊपर तक अब जो है अभी इसके अंदर चल रहा है। और बात करें इसके वॉल्यूम की, मैसिव वॉल्यूम है। या ज़रा आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको, और यहाँ पर 40 लाख की क्वांटिटी, 4 मिलियन की यहाँ पर जो है ट्रेड हुए हैं, उसमें से 16 लाख की डिलीवरी उठी है 40% की अब तक की, अभी सवेरे के 11 बजे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर अगर देखें तो अभी बायर्स और सेलर्स कितने हैं, सेलर्स अभी देखें तो 4 लाख के आसपास है मौजूद है, और बायर्स जो है वो 2.5 लाख, बायर्स कम है, लेकिन ये चीज़ अभी मायने नहीं रखती। ये हो सकता है इसके जो है ये कम ज़्यादा होते रहते हैं पूरे दिन के अंदर अंदर, तो ये मत समझिए कि ये अभी थोड़ा सा मतलब कि वीक है। अगर इसको थोड़ा सा लंबा सोचे, देखिए यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, जब ये 1000 को क्रॉस करेगा तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रीवियस जो अपने इसने हाई बनाया था उसको भी तोड़ेगा, और ये 21 वीक का जो मूविंग एवरेज 1200 तक जा सकता है। ये थोड़ा सा हफ्ते भर की बात है, ये अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो, और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो। और ये मंथली चार्ट के अंदर देखें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 50 महीने का जो मूविंग एवरेज, ये 950 रुपये है प्राइस, कल इसी के आसपास, कल की बात है 950 के आसपास की क्लोजिंग थी। आज प्रॉफिट बुकिंग एक तो 1000 रुपीज़ साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंट है उस वजह से भी आई, साथ ही साथ ये जो मूविंग एवरेज है 50 महीने का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंट इसी के आसपास बन सकता है, इसी वजह से भी जो है ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। और यहाँ पर फिर से मैंने डेली चार्ट लगाया, तो अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अभी अगर देखें, एक और चीज़ है कि 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो भी 970 रुपये है, अभी प्राइस उसके आसपास चल रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आज की बात मुझे ऐसा लग रहा है, आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर देखें तो पॉजिटिव वे में क्लोज हो सकता है, या तो कल के प्राइस के आसपास ही क्लोज है। अब देखने की बात होगी कि कितनी कौन से लेवल के ऊपर ये क्लोज देता है, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी बेहतर है, डिलीवरी भी अच्छी खासी है इसके अंदर बन रही है, और नीचे में सपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर एक नीचे से ऊपर आया, तो एक पॉजिटिव वे में ही इसके अंदर क्लोजिंग आने की उम्मीद है। और यहाँ पर अगर देखें तो अब सपोर्ट की बात करें तो ये जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो कि 906 रुपये अभी है, ये हर दिन चेंज होता रहता है, और उसके बाद ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, मतलब कि 900 रुपये के आसपास, और ये 920 के आसपास चला जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ ये जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये एक अभी फिलहाल थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिलहाल प्राइस इसके ऊपर है, अगर इसके ऊपर टिकता है वहाँ पर क्लोज देता है तो काफ़ी बढ़िया बात रहती है। और इन दोनों के बीच में अभी जो है ये इसका मूव रहेगा ऐसा लग रहा है। बाकी अगर इसके पूरी डिटेल वीडियो हम शाम को लाएंगे तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। आज के दिन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है 5-10 रुपये 15 रुपये ऊपर ही इसके अंदर क्लोजिंग होगी, भले ही अपर सर्किट न लगे, ज़्यादा दिक्कत की बात अभी फिलहाल नहीं लग रही है। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपने रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मेरे एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।